हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं महाबलेश्वर। वहाँ पे हम काफ़ी जगह विजिट करने वाले हैं। ये हमारा 2 दिन का एक ट्रिप सा होने वाला है छोटा सा। अगर आपको जानना है कि यहाँ के रोड कैसे हैं, जाने का रास्ता सेफ है या नहीं है, फैमिली के साथ कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम फाइनली जा रहे हैं मंदिर की तरफ, बिना रुके बिना टुके। तो अब मिलते हैं मंदिर में। हम बढ़ रहे हैं महाबलेश्वर टेंपल की ओर। ये बस थोड़ा सा ऊपर जाके आ जाएगा। वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने बस यहाँ का वीडियो बनाया है। साइड में शॉप्स हैं जो हम बाद में शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे आकर। मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। मंदिर ज़रूर जाना यार, यहाँ पे जाके ना एक शांति सी फील हुई बहुत। और ये बहुत पुराना मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है, तो आप ज़रूर जाना अगर यहाँ पे महाबलेश्वर आते हो तो। और यहाँ के बाहर का व्यू भी बहुत प्यारा था, आप देख ही सकते हो। मंदिर से बाहर निकल के यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, कुछ खाने की शॉपिंग कर सकते हो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत। तो हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया था और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे। ये मेरे हस्बैंड है और इनकी मैं कुछ फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, उसके बाद ये मेरे फ़ोटो क्लिक करेंगे। और यहाँ का बाहर का व्यू भी बहुत प्यारा है। दिस इज़ मी। यहाँ पे ना हल्की हल्की देखो बारिश भी हो रही थी। देखो व्हाइट व्हाइट ये धुआं सा दिख रहा है ना आपको, ये बारिश की बूंदें हल्की 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 जो हम पे पड़ रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था यार। बहुत ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, ठंड भी लगने लग गई थी। अब हम निकल पड़े मैप्रो गार्डन की तरफ। आप भी आते हो तो ज़रूर जाना है यहाँ पे ना फ्री सैंपल्स मिलते हैं जो आप टेस्ट कर सकते हो, कुछ ड्रिंक्स वगैरह के, शेक्स वगैरह के, है ना। और स्ट्रॉबेरी के गार्डन भी है यहाँ पे, आप वो भी देख सकते हो। तो चलो देखो और रास्ता देखो ज़रा यहाँ का। हम पहुंच गए मैप्रो गार्डन की तरफ और यहाँ पे देखो स्ट्रॉबेरीज मिल रही हैं।
पे भी स्ट्रॉबेरी है। अंदर आ गए, यहाँ पे आप फ्री सैंपल्स ट्राई कर सकते हो और आपको जो पसंद आता है उसे आप खरीद भी सकते हो। प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, महंगा तो नहीं है इतना। यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड का बटरस्कॉच फ्लेवर ट्राई किया था जो कि बहुत टेस्टी था, मिल्क में डाल के इसे बनाना होता है। हमने गुआवा लेमन वाटरमेलन फ्लेवर ट्राई किया था, ये भी अच्छे थे टेस्ट में। यहाँ पे दो बॉटल्स हमने खरीद ली थी बटरस्कॉच के, हमने चाय ट्राई की थी। यहाँ हम आ गए इनके स्ट्रॉबेरी गार्डन विजिट करने, आप देख सकते हो छोटे स्ट्रॉबेरी ग्रो कर रहे हैं अभी, और अभी ना यहाँ का सीज़न नहीं है स्ट्रॉबेरीज का, ठीक है। तो मैंने प्राइस पूछा था, साथ में लेडी बैठी है जो, तो 300 रुपये पाव था यार, बहुत महंगी थी। और वैसे सीजनल होता है 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। तो यहाँ पे अगर जाते हो महाबलेश्वर में सीज़न में ही जाना तो स्ट्रॉबेरी ज़रूर लेकर आना यार। अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। अब आप देखो कि हम कहाँ पहुँचते हैं। जा तो कहीं और रहे थे लेकिन यहाँ का व्यू ने हमको रोक लिया कि रुको मेरे पास बैठो मुझे देखो। यार इतनी प्यारी जगह है, बहुत प्यारा लगा यहाँ पे खड़े होकर। बहुत देर तक हम यहीं पे हमने खड़े रहे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। निकल गए हम उस जगह से, बहुत प्यारी जगह थी, मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, बट नेक्स्ट जगह भी तो जाना है ना। बाकी आप व्यू एंजॉय करते रहिए और चलिए मेरे। यहाँ ज़रूर जाना, बिल्कुल मिस मत करना, बहुत 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 ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल। बाकी आप इंजॉय करो, तो कितनी प्यारी हवा चल रही है ना। यार मैंने पहले कभी हिल स्टेशन विजिट नहीं किया, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम हिल स्टेशन है और ये बहुत प्यारी जगह है। अब मुझे पता चला कि लोगों को पहाड़ों से इतना प्यार क्यों है। यहाँ से जाना पड़ रहा है दोस्तों, टाइम की कमी की वजह से। ये जगह इतनी प्यारी थी ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा है, देखो ऐसा लग रहा है मैं बादलों के इतने करीब आ गई हूँ। यहाँ बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। महाबलेश्वर जाओ तो यहाँ पे ज़रूर जाना है। इस जगह का मुझे नाम तो नहीं पता है लेकिन मंदिर से लौटते टाइम ना आपको ये जगह ज़रूर दिख जाएगी।
टोल्ड यू बिफोर, स्ट्रॉबेरी का सीजन नहीं था, स्ट्रॉबेरी महंगी थी, बट स्ट्रॉबेरी खाने की क्रेविंग तो हुई यार, ऑब्वियसली इतनी फेमस जगह पे आएंगे स्ट्रॉबेरी की तो खाएंगे ना। तो ये हमने 150 रुपये पाव ली थी मोल टोल करने के बाद। महाबलेश्वर से हम निकल पड़े हैं, अब हम ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार। ऑर्डर कर दिया था, मेरा खाना भी आ चुका है। मैंने मेदू वड़ा ऑर्डर किया था जो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है ना, उसका शेजवान फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे। इसके बाद हमने कर्ड राइस ऑर्डर किए थे, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, टेस्ट ठीक था इसका। अब हम निकल पड़े अपने घर की ओर। यार आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में या मुंबई में घूमने का मज़ा तभी है यार जब मानसून आता है। तो हम प्रे कर रहे थे कि यार बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, तो तब तो बारिश नहीं हुई बट आधे टाइम अब बारिश हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। आपको पता है ये मेरी मुंबई की पहली बारिश है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए, मैंने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। हम ट्रेन से घर जा रहे हैं, कार हमने पार्क कर दी है। आप सोचोगे कार से क्यों नहीं जा रहे, तो हमने कार कहीं और पार्क करते हैं क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पार्किंग स्पेस का बहुत इशू है। मेरी आंखों से डरना नहीं, ओके मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, ओके बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।